हेलो दोस्तों, नेक्सामोन के एक और नए वीडियो के अंदर। तो लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट एपिसोड के अंदर आप उन्हें केव को एस्केप किए थे, केव से बाहर निकल के आए थे। अपन माउंटेन विलेज की तरफ जा रहे हैं, नेक्सा लॉर्ड जो भी होता है उससे मिलने के लिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ये आए हैं। तो सबसे पहले घुसते बाबू ये टकला बोला कि भाई मेरे से लड़ाई कर, तू आया कैसे गुफा के अंदर से निकल के। तो सबसे पहले अपन इस टकले से करने वाले हैं लड़ाई। टकले के पास तीन पोकेमोन है, मेरे पास तीन और कितना है, छः पोकेमोन है मेरे पास। ओके, तो इसके बाद ये डरावने हाथ वाला पोकेमोन है, मुक्का उक्का मार रहा है मेरे को, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसको पोकेमोन को डिफीट कर दिया। सेकंड पोकेमोन इसने येलो पोकेमोन लेके आया था, इसको भी मैंने डिफीट कर दिया। ऐसे में मेरे दो पोकेमोन डिफीट हो चुके, ऊपर देख सकते हो। लास्ट में आया है इसका ये मंगूस वाले पोकेमोन, जो मैंने मेगा रेयर पकड़ा है। मेरे हिसाब से ये उसका इवॉल्व फॉर्म है, जो मेरा अपोनेंट है उसके पास इवॉल्व फॉर्म है। तो इस पोकेमोन को भी अपन डिफीट करेंगे। डैमेज स्लो स्लो पड़ रहा है, पर अपन इसको भी अपने ये गार्चोम यूज़ करके इसको भी अपन ने डिफीट कर दिया। तो इधर पे लेवल किसका अप हुआ है, बियांग का लेवल अप हुआ है। ओके, अच्छा इसका उड़ने वाले पोकेमोन का लेवल अप हो चुका है, नाइस। तो फाइनली इसको डिफीट कर दिया। बोलते कि अच्छा तुम रिमर्स को, तुम बहुत अच्छा लड़ाई करते हो, तुम कोई दिन रिमर्स को पकड़ लेगे। रिमर्स वो है जो सिटी का ओवरसीयर है, जिससे अपन मिलने के लिए इधर पर आए हैं। यहाँ पे अपने को वाइल्ड में पोकेमोन मिला जो रेयर नहीं था, तो मैंने इसको हटा दिया। एक और मिला कॉमन था, इसको भी मैंने हटा दिया। तो भाई मैं मेगा रेयर या फिर रेयर टाइप की पोकेमोन कैप्चर करने वाला हूँ, इसलिए ये सब स्किप। एक और पोकेमोन मिला, ये भी अनकॉमन था, तो मैंने इसको भी हटा दिया। तो यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते, ये गुफा के बाहर का फर्स्ट पार्ट समझो अपना हो चुका है। तो अपन एंटर करते सेकेंड एरिया में। सेकंड एरिया में आ चुके, बहुत सारा घास घास एरिया, बुड्ढे अंकल दिख रहे। देख लेते घास में कोई अच्छे पोकेमोन मिलेंगे या नहीं। सबसे पहले ये मिला कॉमन है, इसको हटा देंगे अपन। सेकंड पोकेमोन मिला है, ये वापस सेम पोकेमोन मिला है कॉमन, इसको भी अपन हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और घास में कुछ घूम रहा है, ये कौन से पोकेमोन है। ओके, चोर पोकेमोन, दिखने से चोर जैसे लग रहा है, अनकॉमन, इसको भी हटा देंगे। बुड्ढे अंकल से बात करते, देखते क्या बोल रहे हैं। ये बोलते कि मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर दुनिया घूम रहे हो, अब मेरे से एक एडवांस ले लो कि मैं बहुत पुराना ट्रेमर हूँ। घास के अंदर देखो ना, जहाँ पे घास अजीब अजीब मिल दी है वहाँ पे नेक्सामोन मिलेगा, हर जगह देखते रहो। और ये भी बोले चाहिए कि अलग अलग घास के कोने में अलग अलग पोकेमोन होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एरिया के है एक ही घास के अंदर एक ही टाइप के पोकेमोन मिलेंगे। तो इसके लिए अपन सारी एरिया की सारी घास में घुस घुस के चेक करने वाले हैं। यहाँ पे वापस से सेम मिला है, पर भाई अंकल की बात अभी तो गलत निकली, क्योंकि मेरे को सेम पोकेमोन यही तीन बार मेरे को मिल चुका है। एक हिस्सा छोड़ दिया हूँ भाई, चेक कर लेता हूँ एक ही क्यों छोड़ना। ओके, रेयर पोकेमोन मिला है कि अच्छा होगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न आ गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक रेयर पोकेमोन मिल चुका है। और ये पता नहीं कि मेरे को कहीं से इलेक्ट्रिक टाइप अजीब से दिख रहा है, इसका नाम स्टॉइक है कुछ समझ, अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप ही होता बड़ा लोगो बनाए, मैं अंधा हूँ। इतना बड़ा ऊपर लोगो बनाए, तो ये पोकेमोन सामने जो इलेक्ट्रिक चूहा टाइप का पोकेमोन है, तो इसको भी अपने को कैप्चर करना है इधर पे। और यहाँ पे मैंने अपना नेक्सामोन यूज़ किया, स्पीड बढ़ा दिया लेवल अप की, क्योंकि वहाँ पे बैटल बहुत लंबी हो रही थी। तो ये फेंका अपना नेक्सामोन का, नेक्सा ट्रैप बोल सकते हैं उसको, नेक्सा ट्रैप ही बोलते हैं उसको, फेंका। कैप्चर होने में टाइम लगाते हैं, पर इसका कैप्चरिंग थोड़ा अच्छा है। बॉल के अंदर फिर दो पिंजरे वाली जाली रिंग, और अपन ने फाइनली इस रेयर पोकेमोन को यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं। तो ये रहा भाई अपने रेयर पोकेमोन, क्या नाम है इसका, स्टॉइक को कैप्चर कर लिया। पार्टी में भेजना या स्टोरेज में, तो भाई इसको मैं स्टोरेज में भेजता हूँ। पार्टी में सबसे ज़्यादा मेरी फुल हो चुकी है, छः पोकेमोन की जगह होती है छः की छः फुल है। तो फाइनली एक रेयर मिल गया। आगे बढ़ते, ये बोल रहा है कि यहाँ पे आग लग रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, टोर्नेडो हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या चालू है। और यहाँ पे लिखो नेक्सोन लॉर्ड, अपना पता नहीं रिमर्स कहाँ था पता भी नहीं है, जो भी उसने बोला भाई मैंने नहीं देखा क्या बोला उसने। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो भाई यहाँ पे पूरी तबाही मची इधर पे अलग अलग जगह पे। तो अपन आ चुके हैं फाइनली माउंटेन टाउन के अंदर, यहाँ पे रिवर्स का घर है इधर पे। और यहाँ पे अपन आ चुके हैं, तो अपना जो रोबोट है वो बोल रहा है कि यहाँ पे स्टोरेज की दुकान है और पोकेमोन सेंटर भी है, तो मुझे अपने पोकेमोन का इलाज कराना चाहिए और पोकेमोन सेंटर से अच्छी अच्छी चीज़ें भी खरीद लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करेंगे, क्या तुम पेलम टाउन से आए हो, कि वो बहुत लंबी जर्नी हो चुकी है, तुम्हारे पोकेमोन थक चुके हैं, कि पोकेमोन सेंटर जाओ इलाज कराओ। तो ये अपन एंटर कर लिए। मेरे एंटर करने टाइम पे मेरे को लगा था कि ये पोकेमोन सेंटर होगा, पर भाई ये पोकेमोन सेंटर नहीं, ये है भाई अपनी ये बिल्ली वाली शॉप। तो शॉप से अपन को चीज़ें खरीदने का, मेरे हिसाब से मैं नेक्सा ट्रैप ही खरीदूंगा ज़्यादातर। और नेक्सा ट्रैप 250 का एक मिल रहा है, मेरे पास 7 नेक्सा ट्रैप है पहले से ही, तो 7 है मेरे पास, मैं थोड़े से और ख़रीद लेता हूँ। 7 है, 7 और ख़रीद लेता हूँ मेरे हिसाब से, 7 14 नेक्सा ट्रैप होगा, एक और ख़रीद लूँ 15 नेक्सा ट्रैप अपन ने यहाँ पर ख़रीद लिए। और बाकी कुछ पोषण वोशन मेरे को नहीं लेना है, नेक्सा ट्रैप ले लिया हूँ।
पोषण उच्छन मेरे पास अच्छे खासे मेरे पास पड़े हैं इधर उधर से मिले हुए। आगे बढ़ते कुर्सी पे बैठा है, यहाँ पे बोले कि अच्छा लोग बेसिक इन्फो ही दे रहे लोग, पर हर करेक्टर से बात करने को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाता है। लोग बोले कि पोकेमोन से बैटल करा उनका लेवल अप होगा, उनको एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वो इवॉल्व हो जाएंगे, ऐसे ही बोला गया और कुछ ज़्यादा खास कर अलग से नहीं बोला गया। और यहाँ पे बोले कि टीमर्स जो सारे ओवर चेयर में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो सब इससे पहले नेक्सलॉट वही था, रिमर्स ही था नेक्सलॉट जो अभी डिफीट होकर दूसरा वाला बन चुका है। तो आगे अपन पोकेमोन सेंटर में यहाँ पे अपने पोकेमोन को अपन ने क्या बोलेंगे हील कर लिए, हील ही बोला जाएगा ना, हाँ पोकेमोन को अपन ने हील कर लिए। अब हील करके यहाँ से अपन बढ़ते हैं आगे, देखो सारे पोकेमोन मेरे हील हो चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हाल है। क्या यहाँ पे तुमने अच्छा तो बोलते हैं कि माउंटेन के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है, उससे बच के रहना। ओके ये आंटी क्या बोल रही है, क्या तुम यहाँ पे विलेज को, तुम ये विलेज के बाहर जाने की सोच रहे हो तो ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे लोग हैं जो लोग खुद को जस्टिस नाइट्स बोल रहे हैं और लोग डेंजर है। तो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि मतलब मेरे को मिल चुका है कि जब मैं ये विलेज छोड़ूंगा तो जस्टिस नाइट नाम के कोई गुंडे लोग मेरे पे हमला करेंगे। और यहाँ पे देखो अपने ये केव के अंदर वाला एक आदमी मिल चुका है जो अपने को केव में भी मिला, तो बोला कि वाह अच्छा हो तुम भी यहाँ पे सही सलामत पहुँच गए। ओके तो ये एरिया का मेरे हिसाब से जो भी था इतना ही था, तो ये एरिया से अपन बाहर निकलते हैं। इसके ये चीचानी के पीछे देखो चीज़ें चमक रही है पर चीचाने हटे नहीं रही, तो मैं उसको ले नहीं पाया हूँ, पर कोई बात नहीं। यहाँ से अपन आगे बढ़ते नेक्स्ट हिस्से में आ चुके हैं गेम के। यहाँ पे पहले तो घर दिख रहा है अपने को जिसमें अपन जा सकते हैं, तो मेरे साथ घर में जाते हैं, यहाँ पे पक्का कोई ना कोई अच्छी चीज़ अंदर से अपने को मिलेगी ही। ओके तो यहाँ पे आ गए, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं, बोलते कि तुम किसी के भी घर में घुस नहीं सकते, ऐसा कैसा तुम अनजान हो किसी के घर में घुस गए, जो कि सही बात है जो लोग पहली बार बोल रहे हो। और यहाँ पे बोल रहे कि एक जो रॉक स्लाइड है उससे बहुत सारे परेशान है, जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो पूरा रास्ता ब्लॉक था और वहाँ मेरे को वहाँ जाना था क्योंकि अंदर नेक्स्ट अमाउंट मिलते हैं। किताब के बाद वो चमक रहा था, पर पहले अपन ऊपर का घर चेक कर लेंगे। यहाँ पे कोई सोते पड़े तो कौन सो रहा है, जू 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 अच्छा ये जू जू करके सो रहा है, ऊँ करके सो रहा है। तो क्या मैंने इसके किताब के पास का कॉइन छोड़ दिया, क्या मैं इतना अंधा था? ओके तो भाई मैंने ऊपर का वो छोड़ दिया हूँ, ऊपर का जो चीज़ थी किताब के अंदर वो मैंने मिस कर दिया हूँ। क्या चीज़ था मेरे हिसाब से कुछ अच्छा ही होगा, अगर मेरे को होश रहा, अगर इस एरिया में वापस आना हुआ मेरे को याद रहा तो अपन पक्का के नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को जो अपन ने छोड़ दिए उसको अपन वापस से ले लेंगे। पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आंटी से बात करते हैं। रिवर्स बहुत अच्छा रिवर्स रिवर्स है, पर उससे पता नहीं क्यों लोग डरते हैं, पर वो बहुत अच्छा है। ओके ठीक है अच्छा होगा। ओ यहाँ पे क्या चालू है, CID ये बोलते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ के नहीं हो ना, तो बोलते कि हाँ हम यहाँ के नहीं है, पर तुमको कैसे पता है? बोलते कि मैं स्पेशल इन्वेस्टर हूँ और मैं इस टाउन में बहुत दिन से और मैं सारे सबसे लोग से बात बात कर चुका हूँ, पर मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। हमको यहाँ पे जाना चाहिए, बच्चे लोग को मुसीबतों से दूर रहना चाहिए। चचा तुम पोकेमोन नहीं देखे हो, मुसीबत के पास ही रहते हम खाली। ओके तो यहाँ से चचा चल दिया ऐसा बोल के, ये सो रहा है जूजू जूजू करके। व्हाट आर यू गो फाइंड वन स्पेड टू नेप, नो वर्स हियर गॉट ऑसम प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जबकि माउंटेन के टॉप में जाना है। क्या तुमने उसको देखा है? नोबडी विल, अच्छा तो इसने कोई ग्रीन हेयर की लड़की को फ्राई करते हुए देखा है जिस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, तो क्या कोई पोकेमोन है जो ह्यूमन फॉर्म ले सकता है, या फिर कोई लेजेंडरी ट्रेनर होगा पहाड़ों के अंदर, वो अपने को पता चलेगा बाद में। यहाँ पे कुछ गए, यहाँ पे ये आंटी से ये चाचा बोल रहे कि यहाँ के लोग ग्रीन लाइट से कुछ ज़्यादा खुश हो चुके हैं, आजकल के बच्चे बिगड़ के रखे, और ये बोल रहे कि मैं रेड जस्टिस हूँ। अच्छा तो रेड जस्टिस भी है, ग्रीन जस्टिस भी है, तो अलग अलग कलर के जस्टिस वाले लोग हैं इधर पे, तो इनका क्या सिस्टम है मेरे को नहीं पता है, होपफुली अपने को पता चल जाएगा जब अपन इस माउंटेन से बाहर निकलने लगेंगे, तो मे भी दो ग्रुप की लड़ाई में अपना कुछ फ़ायदा हो जाए, देखते हैं। तो ऊपर एक रास्ता गया है और एक रास्ता बाजू में गया, पर यहाँ पे सबसे पहले घर में घुसेंगे, घर का देखेंगे क्या सिस्टम है। आंटी बात करेंगे, क्या मैंने तुमको यहाँ पे पहले कभी नहीं देखी हूँ? आंटी बोल रही, पर यहाँ पे बच कर लेना कि यहाँ पे बहुत चोर है जो इधर पे तो घूम रहे हैं। ओके इधर पे चोर है जिसे बच कर लेना है। लैपटॉप के ऊपर से 100 रुपये अपन ने उठा लिए इधर पे। आंटी क्या बोल रहे हैं, रिमस प्रॉबेबली, अच्छा रिमस, अच्छा लोग बोल रहे कि वो स्ट्रॉन्ग है पर टेंशन मतलब बहुत अच्छा इंसान है, ये बातें सुनी सुनी है। तो अपन घर के ऊपर आ गए, घर के ऊपर भी कुछ खास था नहीं, पर यहाँ से अपने को 10 डायमंड मिल चुके हैं। डायमंड इस गेम के अंदर की बोलते ना अच्छी खासी रेयर करेंसी है जिसको अपने को अच्छा खासा बचा के रखना चाहिए। मेरे सबसे लास्ट घर जो मिस किया उसके ऊपर भी डायमंड ही होगा, पर देखते हो उसका बाद में अभी, ठीक है। तो ये अपन ने घर एक्सप्लोर कर लिए, दो रास्ता था, एक नीचे गया है और एक ये ऊपर गया है। ऊपर वाला रास्ता आ चुका है इधर पे, कहाँ पे आ चुका है, वेलकम फ्रेंड्स, ये जगह हॉट स्प्रिंग में आ चुके हैं यहाँ पे। तो जो अपनी बिल्ली है ये दुकान के साथ हॉट स्प्रिंग का बिजनेस भी चलाता है जहाँ पे अपन रह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो
बुड्ढे चचा है, पोकीमोन है, पोकीमोन के साथ इंसान है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हॉट स्प्रिंग वाला नज़ारा बना है। इधर पे बुड्ढे अंकल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तुम एक्सेल ऑयल का टावर देख सकते हो इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। ओके यू बोल कि वेलकम टू द हॉट स्प्रिंग, तुमको यहाँ पर घूमना फिरना चाहिए। ओके और कुछ है इधर पे, झाल के पास कुछ चमक रहा है, एंट्री पोशन उठा लिया अपन ने। ओके पर यहाँ पे मेरे को मतलब एंटर करने का या फिर कुछ पोकेमोन को छोड़ने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है इस जगह में, इतना कुछ खास टाइप का नहीं समझ रहा है, तो अपन इस जगह से निकल जाते हैं बाहर। बाहर निकल के अपन आएंगे इधर डबल रास्ते पे, तो यहाँ से अपन नीचे जाएंगे जहाँ पे वो डिटेक्टिव गया था, तो यहाँ पर नेक्स्ट एरिया में इससे बात करते, देखते इधर पर क्या है। नेक्स्ट लेवल अप करेंगे तो न्यू स्किल अनलॉक होगी जिसको अपन इक्विप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके तो यहाँ से दो रास्ता है, एक रास्ता ऊपर से गया है जो कि एक गुफा में लेके जाएगा, एक रास्ता नीचे से गया है, तो अपन नीचे से जाएंगे पहले। तो देयर इज समथिंग रियली रियली स्ट्रेंज गोइंग, तो अपन इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, स्ट्रेंज गोइंग का अपन देखेंगे बाद में। ये घर में घुस गए, डिब्बे से चीज़ उठा ली, अपने को मिल गया है सुपर ईथर, ईथर मिल चुका है अपने को। और ये बच्चा पागल है, ये क्या बोल रहा है, ये ग्रीन जस्टिस। ओके लास्ट टाइम अपन एक बंदे से मिले थे रेड जस्टिस से, ये है भाई ग्रीन जस्टिस। ये बोल रहे कि हाँ हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्या तुमको अपना फ्यूचर देखना है? यस भाई मेरे को मेरा फ्यूचर देखना है, तो चलो तुम्हारा फ्यूचर देखते हैं। तो आंटी बोले कि तुम्हारे फ्यूचर के अंदर बहुत खतरनाक डेंजर है, एंशियंट फोर्स हो चुके और दुनिया लाख हो जाएगी तुम्हारे फ्यूचर में। तो भाई अपन यहाँ पर डर गए। आंटी बोले कि टेंशन मत लो, मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती है, और चलो अब मेरे से दूर हो जाओ क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। आंटी देखो कुछ बना रहे गुल 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 करके मस्त वाला, तो आंटी ने भाई अपने को डरा दिया। तो आंटी के घर से अपन ने नेक्स्ट ट्रैप गपला कर लिए, अब यहाँ से निकलते हैं आंटी के घर से बाहर और ये वाला एरिया को भी अपन एक्सप्लोर करते हैं। पहले नीचे वाला एरिया पार्ट एक्सप्लोर करेंगे, फिर अपन ब्रिज से जाके उस गुफा के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है तो ये कुत्ते वाले घर में अपन नहीं घुस सकते, इधर पे जाके क्या बोलते हैं, क्या तुमको लगता है कोई हमें देख रहे है? जैसे लगता है कि हम कोई वीडियो ओके यहाँ पे देखो लोग ने फोर्थ वॉल ब्रेक की, यहाँ पे एक हिडन कैरेक्टर है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमें वीडियो गेम में मोबाइल के अंदर है और हमें कोई हमेशा देखते रहता है। तो ऐसे कैरेक्टर इस गेम के अंदर 3-4 है जो लोग ऐसा बात करते हैं कि जैसे कि मैं गेम बना रहा हूँ, गेम बनाने के लिए मैं फोटोशूट कर रहा हूँ, या फिर मैं गेम के अंदर का कैरेक्टर टाइप का हूँ। ओके तो ये अच्छे सा ट्विस्ट टाइप का था। तो ये अपन गुफा के अंदर आ चुके नीचे का एरिया वो करके, तो यहाँ पे बता रही कि बोलते क्या ये रिवर्स है, यहाँ पे देखेंगे ये कौन है, क्या अपन बोले इसको एक्सक्यूज मी, तो भाई वो जोर से डर गया। और भाई फोटो से तो लग रहा है कि वो रिमर्स नहीं, ये थीफ है, जो एक घर की आंटी बात कर रही थी कि समझ के रहना यहाँ पे थीफ है। तो बोलते कि तुम ओवर सेल के इंतजार कर रहे हो क्या, बोलते कि हाँ तुम कौन हो, बोलते कि मेरा नाम विली है, और जो ओवर क्या तुमको ओवर सेल के बारे में जानना है ना, बोलते कि हाँ वो टाउन को लेफ्ट कर चुका है, और क्या वो इस टाइम पे कहाँ पे होता है, माउंटेन पे स्ट्रोल करते हैं, अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो चलो मेरे को यहाँ से जाने दो। तो भाई ये चोर ओवर सेल की टाइमिंग पता क्या कि वो कौन से टाइम घर पे होता है, कौन से टाइम घर पे नहीं होता है, और मेरे हिसाब से उस हिसाब से इसने ओवर सीयर के घर पे चोरी कर ली है। तो अपने को यहाँ पे हो चुका है, तो अब अपने को जाना पड़ेगा और पीछे टाउन में वापस से ढूंढने के लिए ओवर सीयर को। और मेरे हिसाब से वो टाउन का रास्ता होगा नीचे से, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो जो नीचे वाला रास्ता अपन ने वो किए थे, अब तो अपने को वहाँ पे जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो फटे से अपन यहाँ से सब कुछ देख चुके, तो बिना टाइम पास किए सीधा सीधा अपन जाएंगे नीचे वाले रास्ते पे। ये रहा नीचे वाला रास्ता, एंटर कर लिए घास वाली जगह। ओके यहाँ पे भी लोग खड़े हैं बात करने के लिए, तो इससे बात करते हैं। यहाँ पे बात करें ना, मैंने एक इंसान को क्या आसमान से गिरते हुए देखा हूँ, और तुम क्या उसको जाके देख सकते हो कि उसका क्या हाल है। तो यहाँ पे बताया गया कि कोई इंसान आसमान से गिरा है, और यहाँ पे वाइल्ड पोकेमोन के नाम पे मिला कॉमन पोकेमोन और एक नेक्स्ट ट्रैप उठा लिए। अभी अंकल से बात करेंगे, अंकल क्या बोल रहे इधर पे, अंकल बोल रहे उफ उफ। ओके तो बोल रहे कि तुम अच्छे से देखोगे तुमको हिडन आइटम दिख जाएंगे वर्ल्ड के अंदर, तुम बस ध्यान देना ग्लोइंग स्पॉट के अंदर, वहाँ से तुमको चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि अभी बाजू से अपने अपने एक नेक्स्ट ट्रैप उठाया, एक एंजेलो करके रेयर पोकेमोन मिल चुका है झाड़ियों के अंदर से, जिसको अपन करने वाले हैं कैप्चर। एंजेलो पोकेमोन नॉट इफेक्टिव हो रहा है, तो मेरे सबसे फेवरेट टाइप पोकेमोन होगा पक्का। ऊपर ऊपर पता नहीं क्या बनाए वो अजीब सा लोगो, पता नहीं किस टाइप का लोगो बनाए वो, वाटर टाइप का तो नहीं दिख रहा, पर जो भी हो अपन इस वाले एंजेलो पोकेमोन को कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि उसका रेयरिटी रेयर था। ओके नाइस, रेयरिटी रेयर था। तो क्या एंजेलो पोकेमोन पर, ओके फाइनली अपना एक और पोकेमोन एंजेलो वाला पोकेमोन भी कैप्चर हो चुका है। रेयर पोकेमोन है, मेरे सबसे थोड़ा हीलिंग साइड के टाइप का पोकेमोन होगा, कि ये पोकेमोन को हील वील करता है, तो इसको अपन अपनी टीम में नहीं रखने वाले, इसको अपन भेज देंगे स्टोरेज के अंदर अपने, जिसको भी अपन हटा दिए यहाँ से अपने पास से, इसको भेज दिया अपन ने स्टोरेज के अंदर। अब आगे की जर्नी यहाँ से होगी कंटिन्यू, आगे बढ़ेंगे। एक कुएँ के ऊपर कुछ रखा है, पोशन मिल चुका है अपने को कुएँ के ऊपर से, पोशन उठा लिए, अंकल से बात किया जाएगा। अंकल क्या बोल रहे हो,
यहाँ पे क्रीपी ग्रुप है जिसने कलरफुल आउटफिट पहना है और वो एरिया के अंदर घूम रहे हो, तो तुम थोड़ा तुम बच के रहना, मैं तुमको नहीं बोलूँगा कि तुम अगर कमज़ोर स्ट्रांग हो तो ही जाना अकेले, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा तुमको अकेले कहीं पर भी जाने के लिए। तो ये नाश्ता हुआ पोवर्ड मिल चुका है हालूचा के जैसे, जिसको कॉमन था तो अपन ने कैप्चर नहीं किए। अपन आ चुके हैं इधर पर अब नेक्स्ट एरिया के अंदर, तो यहाँ पर क्या चाल देख सकते हो। ओके क्वेश्चन मार्क क्या हो रहा है इधर पे, क्वेश्चन मार्क इस आदमी को क्या हो चुका है इधर पे। मैं बोले कि ओ वेट अ सेकेंड, ये तो वही है ना जिसको मैंने पंच मार के हवा में उड़ा दिया था, और ये काम करता है नेक्सल लॉर्ड के लिए। तो भाई नेक्सल लॉर्ड सुनते और या फिर नाम काम करता होगा उसके लिए, क्योंकि अभी अपन ने उसको उड़ा दिया। अब भाई नेक्सल लॉर्ड सुन लिया तो उसको भाई गोकू के जैसे ताकत आ रही है, नेक्सल लॉर्ड बोला है वो ए करके मस्त वाला जिंदा होकर उठ चुका है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ वो तुम लोग ही थे ना, वो बोलता कि ओ भाई, बोलता कि मुझे नहीं लगता है कि तुमको हेल्प चाहिए होगा इस गाय को डील करने के लिए। भाई अपना रोबोट बहुत चला के ये बोल रहा है कि मैं तुमको रिवेंज ले लूँगा और तुमको दिखाऊँगा कि कैसे मैं तुमको भी आसमान में उड़ा दूँगा। तो भाई अब अपनी बैटल होने वाली है इस बंदे से, ठीक है, अजीब सा बंदा रोबोट की शक्ल का। तो भाई चार वर्सेस छः की बैटल होने वाली है इधर पे उसको। भाई इसका पोकेमॉन लेवल 12 का है, तो भाई मेरा तो जीतने का इतना कुछ चांसेस है नहीं। इसने भाई मेडुसा का यूज़ किया मेरे को पत्थर बनाने के लिए, तो भाई इसका मेडुसा मेरे इस पे काम नहीं किया। और ये है कि भाई उसका लेवल का दो लेवल का फर्क होने के बाद भी उसके दोनों अटैक फेल हो चुके हैं, और भाई मेरे पोकेमॉन मस्त वाला डैमेज दे रहा है उसके पोकेमॉन को। तो फर्स्ट पोकेमॉन ने अपन ने उसका अच्छे से डिफीट कर दिया। सेकेंड पोकेमॉन आया इसका ये बैटमैन वाला पोकेमॉन, वो भाई जिसने एक ही बार में मेरे पोकेमॉन की हालत ख़राब कर दिया। अगला पोकेमॉन अपन किसको बुलाएंगे, अपन बुलाएंगे ये वाले पोकेमॉन को, बीरिंग मुक्का पोकेमॉन अपना। पत्ता देख के मारेंगे भाई, चार का डैमेज, घटिया डैमेज है भाई, चार का डैमेज लेके क्या करूँगा उसने भाई। ओके अच्छा हुआ उसका विंड अटैक मिस हो चुका है। मुक्का मारेंगे चार के डैम पे, आठ का डैमेज पड़ा है, और भाई एक ही बार में 40 का डैमेज करके भाई मेरे पोकेमॉन का काम तमाम। तो अब यहाँ पे मैं बुलाऊँगा मेरे इस पोकेमॉन को, जो कि मेरे हिसाब से मेरी टीम का फिलहाल का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, जिसका लेवल 10 है, अपोनेंट का भी लेवल 10 है। तो इधर पे मुकाबले की टक्कर होने वाली है, पर भाई यही है 10 लेवल का पोकेमॉन। चलो इसके बैटमैन को भी अपन ने डिफीट कर दिए। इसका थर्ड पोकेमॉन आया, ओ छोटे से चिड़िया टाइप का, ओ भाई वेरी इफेक्टिव, ऊपर से एरोप्लेन घूमी है मेरी, पता नहीं तुम लोग का आवाज़ आ रही है कि नहीं, तुमको झाँक लेता हूँ, दिख नहीं थी मेरे को, कोई नहीं। मुक्का मारे, लात मारे, और ओ ओ ओ भाई चार चार का हेल्थ बचा है, पर भाई मेरे ढाई अटैक करने की, तो मसाला लात मार के मुक्का मार के 31 का डैमेज अपने मसाला इसको भी दे दिया। इसका फाइनल पोकेमॉन है मच्छी पोकेमॉन, इसने 18 का डैमेज देके मच्छी पोकेमॉन ने मेरा काम तमाम कर दिया। अब बुलाए अपन ने अपने नया मेगा रेयर पोकेमॉन स्पिंग को, जो जापान से मुर्गी खाते में सबसे वो वाले एनिमल का डिज़ाइन कॉपी करके इसको बनाया गया है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को लग रहा है इसको देख के। तो यहाँ पे अपन अपने सोने वाला पोकेमॉन बुलाएंगे, और भाई इसको थोड़ा डिफीट करना थोड़ा मेरे को वो पड़ गया था, क्योंकि मेरे पास अब उतने हाई लेवल के पोकेमॉन मेरे पास बचे नहीं थे कि इसको डिफीट कर पाए। पर ये था कि भाई मेरे पास तीन पोकेमॉन है, तो मेरे पास चांसेस थे अच्छे खासे इसको डिफीट करने, क्योंकि यहाँ पर डैमेज देख सकते हो नॉट इफेक्टिव और तीन दिन का डैमेज दे रहा था। ऐसी छोटी मोटी बैटल बहुत लंबे तक चली, और फाइनली मेरे इस मेगा रेयर शिप पोकेमॉन ने फाइनली इसको यहाँ पे डिफीट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला बंदा भी अपन ने इस तरीके से इधर पे डिफीट कर दिया। अब ये गुस्सा हो चुका है और ये बोल रहा है कि तुम कुछ घंटे में इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो चुके हो। पूरी स्क्रीन पे अंधेरा है कि यहाँ पे क्या चाली है, उतने में होती है ओवरसियर रिमर्स की एंट्री। तो अब यहाँ के आगे का अपन देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि रिमर्स आके क्या करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।